बिल्कुल, तो आइए उनके चार्ज और एनर्जी को इस मंच पर देखते हैं और बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ वॉइस ऑफ राजस्थान सुमित खत्री को। सुखविंदर जी को बहुत अपना आइडल मानता हूँ, सुखविंदर जी, रफी साहब, सोनू निगम, इन सबको मैं बहुत लाइक करता हूँ। ये सब इन सबकी जीवनी, इन सबके करियर, इन सबके स्ट्रगल को पढ़ता हूँ, उनपे फॉलो करता हूँ। प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं आइडिया भाग्यशाली जीत के आऊँगा, बन गया हूँ अपने गंगा ना राजस्थान का नाम जरूर। ऑडियंस पे तो हमेशा छा जाते हो यार आप, लेकिन देखना यह है कि जजेस को आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। सुरेश जी, क्या बोलती बंद कर दी उसने तो। आई थिंक अ सॉलिड कमबैक। थैंक यू सो मच सर। यही हम्बलनेस अगर रहेगी तो वो बहुत हाई लेवल का आर्टिस्ट बनता है। और जो कांजी लगा के कॉलर टाइट करके आता है ना, वो पता नहीं स्टेज पे क्या करके जाता है, वो उसको भी मालूम नहीं पड़ता। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। सुमित बहुत अच्छा है। और ये जो तुमने जो स्पिरिट दिखाया अभी, इस स्पिरिट को तुम कायम रखो, यही स्पिरिट है जो मैं बहुत तुम्हें बहुत दूर लेके जाएगा। और अब से उम्मीद है कि तुम्हारा हर गाना इससे अच्छा होगा। गुड लक। ऐसे ही जाते रहो, बस इससे 19 नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, बस 20 से 21 होना चाहिए, 19 पे मत आना, बस। यह सब जज इतनी तारीफ की, इतना अच्छा कहा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए ये समझ लो कि इस सफलता का पहला कदम तुमने रख दिया है। और अब जो है संजीव को बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि
बपीदा खड़े होकर तुम्हें इतना प्यार दिया, सुरेश जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और उनके साथ मैं बिल्कुल उनकी हर बात से सहमत हूँ। गॉड ब्लेस यू। अब इससे आगे ही बढ़ना है।